सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और नई नई जानकारियां प्राप्त करती रहें। जी हाँ दी, आपको DNRLM द्वारा जो भी जानकारी चाहिए आपको सबसे पहले प्रेरणा टीवी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लें प्रेरणा टीवी चैनल को। अगर आप एक स्वयं सहायता समूह की महिला है दीदी तो आपसे निवेदन करूंगी, प्लीज़ प्लीज़ दीदी पंचसूत्र का पालन करिए। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह को अच्छे से चलाइए, आपकी गरीबी निश्चय ही दूर हो जाएगी। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से गरीबी दूर होती है, बस थोड़ी सी है मशक्क़त और प्रयास की ज़रूरत। तो आप लोग प्लीज़ 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 प्लीज दीदी अपने स्वयं सहायता के पंचसूत्र को पालन करिए और अच्छे से चलाइए, क्योंकि सरकार द्वारा हर योजना सबसे पहले DNRLM को महिलाओं को दी जाएगी। चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि अचार की कमाई से जीवन में मिठास कैसे आया स्वयं सहायता की दीदियों के पास। जी हाँ, अचार की कमाई से जीवन में मिठास किस प्रकार भर जाता है मेहनत करने से। अचार की कमाई से जीवन में मिठास कोरोना संकट में, जी हाँ कोरोना संकट में जागृति स्वयं सहायता समूह बागा सरहना में आजीविका के साधन खोले। कोरोना संकट में जागृति स्वयं सहायता समूह बागा सरहना ने आजीविका के साधन ढूंढ लिए हैं। कर्फ्यू में बंदिशों की अवधि में इस समूह की महिला सदस्य गांव में इकट्ठा होकर कंडी व लहसुन का अचार बनाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। 12 महिलाओं का यह स्वयं सहायता समूह 20 किलोग्राम में रोजाना अचार तैयार कर रहा है। दुकानदार सराहना गांव जाकर खुद ही उनसे माल खरीद लेते हैं। वर्ष 2016 में ग्रामीण महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाया। जी हाँ दीदी, इनका समूह जो है 2016 में बना। महिला सदस्य जागरूकता की कमी से अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। हाल ही में नए पंचायत प्रधान ने स्वयं सहायता समूह को जागरूक किया। अब महिलाएं दिन भर अचार बनाकर अच्छी आमदनी कमा रही हैं। महिलाएं अचार मुरब्बा जूस समेत रोज़मर्रा की जरूरत में प्रयोग होने वाली चीज़ें बनाकर खुद को आगे बढ़ा रही हैं। सराहना पंचायत पर्यटन बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर पर्यटन पहुँचते हैं। अब गांव की महिलाएं जागरूक होने के साथ अपने आप को पर्यटन से जुड़ रही हैं। जागृत स्वयं सहायता समूह का अपना बैंक खाता है जो ज़रूरतमंद महिलाओं की तुरंत आर्थिक मदद करता है। यहाँ पर वह 100 रुपये प्रतिमाह की बचत करने के साथ जब जरूरत हो ब्याज पर ब्याज प्राप्त कर सकती हैं। रोजाना तैयार करती हैं 20 किलोग्राम अचार। प्रधान कांता ठाकुर ने बताया कि उन्होंने स्वयं सहायता बनाकर महिलाओं को लोकल फॉर वोकल पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। गांव में ही मिलने वाले लहसुन लिकंड का अचार सहित सरियारा कुदारा काउडी के पैकेट बना रही हैं। सप्ताह में 20 किलोग्राम अचार तैयार कर लेती हैं। हमारा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ की महिलाओं को जी दीदी, यहाँ की महिलाओं में हुनर की कमी नहीं है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए विभाग से आग्रह किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए विभाग 100% तात्पर्य रहते हैं, बस महिलाओं को करने का इच्छुक होना चाहिए। अगर दीदी आपके अंदर उत्साह है कुछ कर दिखाने की तो आप लोग कर सकती हैं। आपको जिस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए आप विभाग द्वारा आग्रह करिए कि सर हमें हमारे समूह को या हमारी इतनी महिलाएं हैं काम करना चाहती हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, हम लोग यह काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं, हम लोग को प्रशिक्षण की है ज़रूरत। तो आप प्लीज़ हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियों को प्रशिक्षण करवा दें। अगर आप आग्रह करके
करेंगी प्रयास दीदी, तो ज़रूर प्रशिक्षण कराया जाएगा विभाग द्वारा, और आप लोग जो भी काम के लिए प्रशिक्षण लेंगी उसमें निपुण हो जाएंगी, तो वह व्यवसाय आपका तेज़ी से चलेगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके पास रहेगी तो कोई भी व्यवसाय लॉस में ही जाएगा। तो फ़ायदा अगर लेना है, जी हाँ प्रॉफिट अगर लेना है, तो आपको पहले प्रशिक्षण ले लेना चाहिए। आप अगर एक स्वयं सहायता समूह की महिला हैं तो आपको तो काफ़ी आसानी है पैसे लेन देन करने में, पैसे भी मिल जाएंगे, आपको प्रशिक्षण भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ आप अपना कोई रोज़गार कर सकती हैं। काफ़ी महिलाओं ने उदाहरण के तौर पे अपना परिचय दिया है, जब से DNRLM आया है उस समय से ही कुछ न कुछ महिलाओं ने कर दिखाया है। अगर आप एक स्वयं सहायता समूह की महिला हैं तो आपकी कुछ कर दिखाने की इच्छुक हैं तो कर दिखाइए, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। काफ़ी कमेंट बॉक्स में मुझे यही आते हैं कि दीदी मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए, कोई काम करा दीजिए। तो दीदी मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि नौकरी कहीं रखी नहीं है कि दुकान पे आपने गया या स्टॉल में गया, पैसे दिया, आपको नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने की संभावना बहुत ही कम रहती है। जो दीदी पढ़ी लिखी रहती हैं उनका तो चयन हो भी जाता है, जो हमारी गाँव की अनपढ़ महिलाएँ हैं उनको सरकार कौन सा जॉब और कौन सी नौकरी देगी, या तो कोई कंपनी लगाया जाए, जो तो लगा नहीं रही है। अगर सरकार चाहे तो कोई भी कंपनी लगा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कंपनी लगाने के लिए बाहर से लोग आएंगे तो बाहर से ही लोग को नौकरी मिल जाएगी। अगर आप लोग ही कोई कंपनी बना दें तो कैसा रहेगा, जी हाँ कंपनी बना दें तो कैसा रहेगा, इसके लिए करना है आपको प्रयास। जी हाँ कंपनी किसी चीज़ की भी हो सकती है, जैसे अभी उधार दीदी ने दिया अचार पापड़ की, तो इसका भी कंपनी बन सकता है। अगर आपके गांव में 10 समूह हैं, एक ग्राम संगठन होगा, तो ग्राम संगठन में अगर कोई व्यवसाय अच्छे से आपने स्टार्ट किया, जी हाँ, तो एक कंपनी तैयार हो सकती है। कोई किसी कार्य को बड़े रूप बड़े पैमाने पर अगर कर दिया जाए तो वो कंपनी का रूप ले लेती है, जी हाँ उसका लेवल हो जाएगा, एक कंपनी का रूप ले लेगी। तो आप ही के अंदर कोई अगर गुण है, जो भी दीदियाँ मेरे वीडियो को सुन रही हैं कृपया ध्यान से सुने, कि आपके अंदर अगर कोई हुनर है, कोई गुण है, तो आप उसको निखारने का प्रयास करें, यह अवसर बार बार नहीं मिलता है आपको। एक बार जाते जाते फिर करना चाहूँगी दीदी, आप लोग स्वयं सहायता का पंचसूत्र पालन करिए, खासकर बैठक करिए, चर्चा करिए कि आप लोग को करना क्या है जीवन में, जीवन में कुछ कर दिखाना है या चूल्हा चौका के ही अंदर रह जाना है। अगर नहीं रहना है तो आपके अंदर जो हुनर है उसको बाहर निकालिए, और अपने साथ साथ दो चार महिलाओं को भी प्रेरित करिए उस कार्य के लिए, और कुछ कर दिखाइए। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ध्यान दें, आपको कुछ कर दिखाना है, कुछ नाम कमाना है, घर में चूल्हे चौके में ही नहीं मर जाना है, तो थोड़ा सा प्रयास करें, आगे बढ़ें, कुछ इनकम का स्रोत पैदा करें। क्योंकि दीदी इतनी महंगाई हो चुकी है कि अगर आपके घर में एक हस्बैंड कमाने वाले हैं तो आपका परिवार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अगर रोज़मर्रा की इनकम आपके हस्बैंड या जो आदमी हैं आपके, अगर 300 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं या 500 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, तो क्या वह अपना परिवार अच्छे से चला पाएंगी। लोग कहते हैं, मैंने ये सुना है कहते हुए कि अरे प्रतिदिन रोज़ कमाते हैं 300 रुपया, प्रतिदिन रोज़ कमाते हैं 500 रुपया, तो 500 300 रुपया बहुत अधिक नहीं होते हैं। यह पैसा आपके खाने पाने पे, कपड़ों पर, दवा दारू पे ही खर्च, इतने ही आप सीमित रह जाएंगे। आपका कभी घर नहीं बन पाएगा, कभी आपका गाड़ी का शौक नहीं पूरा हो पाएगा, ना तो आप कोई अपने बच्चे को हाई सोसाइटी में पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकते हैं, वो बस मिडिल क्लास में ही रहें। तो उसके अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा पैसा कमाना होगा, तो बड़ा पैसा कमाने के लिए आपके हस्बैंड जो कमा रहे हैं उनको छोड़िए, आप भी कुछ कमाइए। जब दोनों लोग मिल के कमाएंगे 500-500, तो 1000 होगा, तब आपकी पटरी गाड़ी पर आ जाएगी। तो इसके लिए करना होगा आपको प्रयास। तो चलिए दीदी, मोटिवेशन देने के लिए आज वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।